जब हम किसी अच्छी चीज को गलत निगाह से देखते हैं, मतलब कि गलत विचार से, गलत कॉन्शियंस से देखते हैं, वो आपके मनों में जब भेजी जाएंगी तो आपका शरीर गलत रीत से प्रस्तुत होगा। आपके शरीर का बल शैतान चोरी करेगा, आपके शरीर की मांसपेशियां टूटेंगी, आपके शरीर के गुप्त अंग गुनाह के लिए भाग पड़ेंगे। बातों को समझना है हमें, इन बातों को देखना है। आज प्रभु कह रहा है यदि तेरी आंख बुरी है, मतलब हमारी आंखें हमारे मनों को भेजती हैं क्या चीजें, संसार की वो सब सारी चीजें। अगर आपके पास आंख ना हो तो शायद आप उन चीजों को, बाहरी दुनियाओं को अपने मन को ना दे सके, पर आप केवल विश्वास के साथ, मन विश्वास को लेकर अपने मन में परमेश्वर को प्रसन्न करें, इज वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा वो चीजें। पर परमेश्वर ने हमें आंख इसलिए दिया ताकि हमारा, हमारे जीवन का जो कार्य है हम उसे आसानी से कर सकें और हम परमेश्वर की महिमा को और अच्छे तरीके से कर सकें, हम उसके वचन को पढ़ सकें। इसीलिए आपको एक बात समझाने की जरूरत है, अगर आज यहां पर आपका शरीर, आपकी आंख बुरा हो गया है तो यह सीधे भेजता है आपके मन को, और आपका मन शरीरों को भेज देता है। संसार की चीजें अगर आपने देखी, आपका मन तैयार नहीं है परमेश्वर के लिए, तब आपका हृदय यदि परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है, आपका मन खुदावन के स्तुति के लिए तैयार नहीं है, आपका मन परमेश्वर के बलिदान के लिए तैयार नहीं है, तो सावधान रहो, आपकी आंखें बहुत सारी चीजों को आपके मनों में भेज देगी और आपका मन आपके शरीरों को भेज देगा काम करने के लिए। इसीलिए ध्यान से सुने, आज लोग व्यभिचार कैसे करते हैं, हाँ वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते रहते हैं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते रहते हैं, पर परमेश्वर ने एक बात सख्त कहा, यीशु ने कहा यदि तू किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, मतलब अभिलाषा, मतलब परमेश्वर के रूल्स के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ में, जब आप अपनी इन आंखों का यूज करते हैं, जब अपनी इन आंखों का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के विरोध में, देखिए ध्यान से सुनिए, आपके पास हाथ है कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी मर्जी, आपके पास मोबाइल है आप इसे कैसे यूज करेंगे ये आपकी मर्जी, आपके पास कपड़ा है कैसे इस्तेमाल करेंगे आपकी मर्जी, आपके पास देह है इसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपकी मर्जी। पर परमेश्वर हमें अवगत कराता है, परमेश्वर हमें सचेत करता है, परमेश्वर हमें सावधान करता है, कहता देख तेरे शरीर में एक ऐसी चीज है जो तेरे मन को बहुत सारी चीजें भेज सकती हैं, और वो है आंखें। इसलिए मैं अक्सर आपको समझाता हूं कि जब मैं बिस्तर से उठूं तो सीधे मैं प्रभु को देखूं, सीधे मैं प्रभु को देखूं। ये कहां लिखा गया कि मैं सीधे प्रभु को देखूं? चलो जल्दी से हमारे साथ खोलें भजन संहिता की किताब 15:17 भी लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। इंपॉर्टेंस है इसको समझो, जब मैं जागूंगा तो मेरी आंखें किसे देखेंगी? जब मैं जागूंगा तो निश्चय, जब आप जागेंगे, जब तक आप सोते रहते हैं आपकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन जब आप जागते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं, तो आपकी आंखें जब खुलेंगी तो किसे देखना चाहिए? अगर आपने परमेश्वर को देखा, अगर आपने प्रभु के वचन को देखा, अगर आपने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया, तो आपकी आंखों के द्वारा जाने वाली बातें, वचन आपके विवेक से होकर आपको मजबूत कर देंगी, आपको बलवंत बना देंगी उन चीजों से लड़ने के लिए जो आपकी आंखें अभी संघर्ष करेंगी। क्योंकि जैसे कुछ क्षणों के बाद, आप घंटे, दो घंटे, तीन घंटे के बाद जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर जब बाहरी दुनिया में निकलेंगे, तो बहुत सारी खुदावन के विरोध के प्रति, परमेश्वर के विरोध में शैतानी आत्माएं, इज़ेबेल की स्पिरिट, गुनाह की आत्माएं, पाप की आत्माएं आपके आंखों के सामने गुजरती हुई दिखाई देंगी। पर ये आंख किस तरीके से मैनेज करेगा उस चीज को जो आंखों के सामने दिखाई दे रही है? क्या ये आंखें बंद कर लेंगे आप? नहीं,
आपकी आंखें उन हर चीजों को देखेगी जो इस दुनिया के सामने हैं, पर यह आंखें उन चीजों को ले पाएगी अपने अंदर या नहीं ले पाएगी, ये शक्ति आपको कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। भजन 17 अध्याय 15 पद, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। हमें परमेश्वर के मुख का जो दर्शन करना है उससे एक पावर मिलती है, उससे एक शक्ति मिलती है। आप इन वचनों को अपनी आंखों से देखते हो और अपने जुबान से पढ़ते हो और अपने मनों में ट्रांसफर करते हो। जब ये चीजें आपके मनों में जाती हैं, आपके हृदयों में जाती हैं, तो आपका हृदय शरीर को भेजता है। आमीन बोलो। आपका मन आपके शरीर को भेज देगा ये सारे वचन। और जब आपके मन, जब आपकी आंखें इन वचनों को देखती हैं, आपकी जुबान जब इन वचनों को पढ़ता है, तो सीधे जो चीजें आपके मन में जा रही हैं वो सीधे आपके शरीर में भेज दी जाती हैं। बोलो, हमारे शरीर में भेज दी जाती हैं। और जब आपका मन ने जो चीजें ग्रहण की शरीर में भेजेगा, आपका शरीर होलीनेस में जाएगा, आपका शरीर पवित्रताई में जाएगा, और वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा, वो उस चीज को हराने के लिए तैयार रहेगा जो आपकी आंखें अभी कुछ देर बाद देखने वाली हैं। इसका मतलब है कि आपको तैयार होना पड़ेगा पहले से, तब उसके बाद आपकी आंखें बाहरी दुनिया को देखें। प्रभु यहां समझा रहे थे कि जब दाऊद बोला कि जब मैं जागूंगा हे प्रभु, तब तुझे देख करके मेरी आंखें तुझे देखेंगी, मेरे मन की आंखें तुझे देखेंगी, और मैं सेटिस्फाई रहूंगा और मैं संतुष्ट रहूंगा। मुझे तब डर ना लगेगा संसार के प्रति, तब मुझे धोखा ना होगा संसार के प्रति। आप ये बात समझिए कि दाऊद एक बार अपने छत पे टहल रहे थे, और जब छत पे वो टहल रहे थे, उनकी पूरी सेना युद्ध पर गई हुई थी। तो बहुत लोगों को मालूम है कि दाऊद की आंखें एक स्त्री के ऊपर जाती हैं जो कुछ दूर पर वो नहा रही थी। मैं अभी क्या बोला, प्रीच करते समय मैंने ये बोला कि आपकी आंखें दूर रहने वाली व्यक्ति को भी छू लेती हैं। आप थोड़ा अचंभा कर रहे थे, आपको नया शब्द मिल रहा था। मैं सत्य बोलता हूं, आप जब दूर होंगे तो आपकी आंखें उस व्यक्ति को छू सकती हैं। मतलब उस व्यक्ति के प्रति, उस स्त्री के प्रति, उस वस्तु के प्रति आप अभिलाषा रखते हो, और वो चीजें आपके मनों में भेज दी जाती है। मतलब आप उसे छू लेते हो, और फिर मन शरीर को भेज देता है, जिससे आप उस चीज को टच कर लेते हो, छू लेते हो। हमारी बातों को समझो। अब जब दाऊद छत के ऊपर टहल रहे थे, तो उसने दूर एक स्त्री को जब नहाती हुई, स्नान करते हुए देखा, तो उस स्त्री के प्रति दाऊद के अंदर एक अभिलाषा आया। अभिलाषा ठीक नहीं था, अभिलाषा आने का मतलब वो पाप की अभिलाषा आई। और जैसे ही दाऊद ने अपनी इन आंखों से उस स्त्री को देखा, और जैसे ही देखा, इन आंखों ने तुरंत मन में वो चीजें भेज दी। आपकी आंखों ने जो चीजें देखी और वो आपके मन के लिए भेज दिया गया, और जैसे ही वो चीजें मन के लिए भेज दी गई, और मन ने शरीर को भेज दिया। बातों को समझो अभी, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। होली स्पिरिट क्या बोल रहा है? आपकी आंखों ने देखा जो चीजें और वो आपके मन में गई, और मन ने शरीर को भेज दिया, और शरीर क्रियाशील हो गया। और दाऊद ने यही काम किया। दाऊद ने जब किसी स्त्री को देखा, लालसा लस्ट उसके जीवन में आया कि हमें इसे प्राप्त करना है, जब उसके अंदर उस स्त्री को देखा, तो स्त्री के जो देखने की लालसा थी, जो उसने देखा, वो चीजें मन को गईं। आंखों ने देखा, मन को भेज दिया, और मन ने किसको भेजा? शरीर को। और जब ये चीज भेज दी गई, तो आपको मालूम है कि जब आप पढ़िए पवित्र शास्त्र को, तो दाऊद ने उस स्त्री को अपना पत्नी बनाया। और जब उस स्त्री को अपना पत्नी बनाया, तो आपके प्रभु को ये चीजें बुरा लगा, और उसने उससे पैदा होने वाली संतान को परमेश्वर ने मार दिया।
जो चीजें पाप के द्वारा आती हैं परमेश्वर उसे अपने किंगडम में नहीं रखते, जो चीजें पाप के द्वारा आती हैं परमेश्वर उसे अपने राज्य में जगह नहीं देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, उन्हें हटा दिया क्योंकि वो चीजें पाप से उत्पन्न हुई थी। बातों को समझो, अगले स्टेप पे हम आगे चलते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम अपने मन को परमेश्वर के निकट लेके आते हैं, मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपके अंदर जो दिखने वाली चीजें है वो है आंख, पर आपके अंदर एक ना दिखने वाली चीज है वो है मन। पर मन किसके अधीन हो जाए, मन किसकी बात को माने, इसके लिए दाऊद का ये वचन जो अभी हमने पढ़ा भजन 17 का 15 कि हम जब उठें तो हमारे मन की तैयारी, हमारे मन की तैयारी हमारे इन वचनों के अंगीकार के आधार पर ही होगा।